हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीटीवी। आज इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI जो है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उन्होंने कुछ वैकेंसीज़ निकाली है जिसका फॉर्म ऑलरेडी भरा जा चुका है। यहाँ पर हम उसके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सिर्फ पढ़ लिया, पता चल गया कि ये पेपर है, ये आना है, ये करना है, उससे काम नहीं चलेगा जब तक कि आप उसके प्रॉपर सिलेबस के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते हैं। बिकॉज़ अगर आपको सिलेबस पता होगा तो ही आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पर डिटेल में हम आपको ये बताएंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में क्या आना है, किस तरीके से आना है, आपको कैसे तैयारी करनी होगी, क्या बातें आपको नोटिस में रखनी है, ये सारी बातों को आज इस वीडियो में क्लियरली हम समझेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत काम आएगी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इसमें मैनेजर की 2 पोस्ट हैं और साथ में जूनियर एग्जीक्यूटिव के 3 पोस्ट में निकाले हैं, और उन सब में इंडिविजुअल जो सीट्स हैं वो आप लोग इस चार्ट में देख सकते हैं। और मेन जो नोटिस करने वाली बात ये है वो ये कि मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जबकि जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें डिटेल में आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट हर एक में कितनी सीट्स हैं, कितने रिज़र्व हैं, कितनी नहीं रिज़र्व हैं, ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पर। फिलहाल हमें जो मेन फोकस करना है वो इससे कि सीट से नहीं, क्योंकि हमें तो ये चाहिए ना कि हमें एक सीट अपने नाम करनी है, और उसके लिए हमें करना होगा एक तगड़ी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए हमको चाहिए सिलेबस, मटेरियल, जो कि आप यहाँ पर समझ करके अब उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट रिक्वायरमेंट कही गई है वो मैनेजर के लिए मैक्सिमम 32 ईयर्स की होनी चाहिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव की 27 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और साथ में पे स्केल आप देख लीजिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको सैलरी में बहुत अच्छा पैकेज देते हैं। पूरा CTC पर NM मिला करके मैनेजर की पोस्ट के लिए अराउंड 80 लैक्स आपको मिलेगा और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए ऑलमोस्ट 12 लैक्स। मतलब बहुत अच्छा पैकेज है। अगर आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं तो लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आप आगे बढ़ते हैं और मेन फोकस हमारा सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, उसको समझते हैं। ये रहा हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC की पोस्ट के लिए सिलेबस, जिसमें 2 सेक्शन होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 60 क्वेश्चंस होंगे टोटल, जो कि 60 मार्क्स के होंगे। उसमें आपकी जनरल इंग्लिश आएगी और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल यानी कि आपकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स आएगी, जिसमें कि इंग्लिश के सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस होंगे, जनरल एप्टीट्यूड में भी 15 क्वेश्चंस होंगे, और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आएंगे उसकी काउंटिंग में 10 क्वेश्चंस होंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन टोटल करके 60 क्वेश्चन आपका पार्ट ए सेक्शन का होगा। पार्ट बी सेक्शन में आपके जो 60 क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिक फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चंस होंगे। आप ये समझ लीजिए उसका लेवल जो होगा आपका 11th-12th स्टैंडर्ड, आपने जो भी पढ़ाई की है वहाँ से लेकर के आपने ग्रेजुएशन और बैचलर डिग्री में जो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स पढ़ी है, आप ये समझ लिए वही आपका सिलेबस है। उसी में से क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आना है। लेकिन उसका जो लेवल होगा वो भी सुपर डुपर हाई नहीं होना है और ना ही बहुत ईजी हलवा टाइप्स होना है। पेपर जो होगा वो मॉडरेट होगा, क्योंकि ये एक मिनी रत्न कंपनी है, इसका स्टैंडर्ड अच्छा ही होगा पेपर का। तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन पे बेसिस क्वेश्चंस होंगे, तो वो 60 क्वेश्चन आपकी पूरी एजुकेशन बेसिस पर होंगे जो आपने पढ़ाई की है अपने ग्रेजुएशन और बैचलर टाइम पर। तो उसकी तैयारी अच्छे से।
नेक्स्ट जिसका सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जो उन्होंने निकाली है एयरपोर्ट ऑपरेशंस की। इसमें भी दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में वही जीके होगी हमारी, इंग्लिश होगी, क्वांट होगी, रीजनिंग होगी। पार्ट बी जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जिसमें कि आपकी अगेन फिजिक्स और मैथमेटिक्स का 40-40% होगा, और जो जनरल प्रिंसिपल बिजनेस मैनेजमेंट इन्होंने ये जो इंक्लूड किया है इसका 20% रिलेटेड पोर्शन होगा। तो इट मींस दैट कि आपको मैथ्स और फिजिक्स के साथ साथ जनरल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की भी नॉलेज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज तैयार करने होंगे। बाकी जीके और क्वांट रीजनिंग वैसे ही होगी जैसे कि एटीसी और बाकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आप लोग करते हैं। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि पार्ट ए में 20% जो पोर्शन है वो एविएशन रिलेटेड टॉपिक्स पर भी क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि उसमें कुछ एविएशन रिलेटेड एब्रिवेशंस हो गए जैसे कि ICAO, BCAS, DGCA, जैसे कि नॉलेज ऑफ एयरपोर्ट की जो डेफिनेशंस होती हैं जैसे रनवे हो गया और एयरपोर्ट हो गया, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक्स होती हैं एयरपोर्ट रिलेटेड चीज़ें, कस्टम्स हो गए, इमिग्रेशंस हो गए, आप ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, सिस्टमेटिकली बताए गए हैं, वही सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, क्योंकि उससे भी 20% जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे एयरपोर्ट ऑपरेशंस जो हमारा पोस्ट है उसमें। तो आप उसकी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो है यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की, उसका क्या सिलेबस है। तो उसमें भी दो ही पार्ट हैं जैसे कि अभी तक चले आ रहे थे। पार्ट ए वैसे ही है, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश। पार्ट बी जो है, लेकिन उसका इसमें देखने वाली बात है कि इसमें जो पार्ट ए है वो 30% ही है, बाकी पार्ट बी जो है यानी कि 70% क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगी उससे रिलेटेड होंगे। यानी आप ये समझ लीजिए कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा जो भी सिलेबस इसमें दिया है, क्योंकि आपकी एजुकेशन रिलेटेड जो टेक्निकल में मांगी गई है उसका पोर्शन ज़्यादा होगा। 70% बहुत मायने रखते हैं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो इन लोगों ने सिलेबस दिया है वो क्या है। तो पहले तो इंजीनियरिंग इन मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने जो अपने ग्रेजुएशन टाइम्स में, बैचलर डिग्री के टाइम में पढ़ाई की थी उन सब से आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी में अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन ये टॉपिक भी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जो डिग्री मांगी गई है वो ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियर को वैलिड किया गया है, तो उनका जो भी सिलेबस है वो सब का सब इसमें इंक्लूडेड है। थर्मोडाइनमिक्स हो चाहे एप्लीकेशन हो, इंजीनियरिंग में जो भी पढ़ी है उसका सिलेबस आपको आना ही है। तो बस आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, जैसे कि इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, वाइब्रेशंस, डिज़ाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर कि आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मेटल कास्टिंग, फॉर्मिंग, प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस एंड ईल्स, ये सारी चीज़ें आपको जो भी आपने अपने टाइम में पढ़ाई की है वो सब आपको मिलेगा। पूरा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है, आपको तैयारी उसी अकॉर्डिंग करनी है। आप लोग यहाँ पे पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं, वीडियो को स्लो करके, पॉज करके आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हैं, बिकॉज अगर मैं एक एक टॉपिक पढ़ने लगूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं भी जानती हूँ इतना लंबा कोई टॉलरेट नहीं कर सकता है। सो आप लोग इसको आराम से देखिए, पढ़िए और समझिए और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करिए। वैसे ही मैनेजर टेक्निकल की जो पोस्ट है उसके लिए भी पार्ट बी फॉर्म में आएगा, जिसमें पार्ट ए में 30%, पार्ट बी में 70%। पार्ट ए एज़ यूजुअल सेम ही होगा, पार्ट बी जो होगा वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा, जैसे कि अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन, उसमें इंजीनियरिंग इन मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, वाइब्रेशंस, डिज़ाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस, ये सारे टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, क्लियरली मेंशन है। आप उसी अकॉर्डिंग अपनी बुक्स निकालिए, रिवाइज करिए, तैयार करिए। उसी में जैसे हीट ट्रांसफ़र,
थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसके अंदर इंजीनियरिंग मटेरियल, मेटल कास्टिंग, जॉइनिंग, ये सारी वो मैक्सिमम सेम ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब एजुकेशन भी दोनों में सेम मांगी गई है तो आपका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो आप अपना टेक्निकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसकी तैयारी कर लीजिए, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा उसी अकॉर्डिंग। ऐसे ही लास्ट में जो मैनेजर की फायर सर्विस वाली पोस्ट है उसमें आपका पार्ट ए पार्ट बी होगा, जो कि 50-50% में होगा। 50% आपकी अगर जनरल एप्लीकेशंस एप्टीट्यूड जीके होगी, और बाकी आपकी एजुकेशनल जो एजुकेशनल के ऊपर पार्ट बी होगा। उसका भी आपको ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप आराम से वीडियो को स्लो मोशन में करके पॉज करके पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप जा कर के आप अपनी दिक्कत बताइए, हम आपका उसको भी पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम आपको ऐसे ही और भी नॉलेज देंगे जो भी आपको चाहिए होगी।